सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर लिस्ट भाकर में। आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं सीड टेक्नोलॉजी, जो कि BSc एग्रीकल्चर के सेकंड पार्ट में और सेकंड सेमेस्टर में जो टॉपिक लगता है सीड टेक्नोलॉजी, GPB 221। GPB 221 इसकी बात करने वाले हैं। इसका पहला टॉपिक है वो है हमारा सीड टेक्नोलॉजी। तो आज हम सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम सीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीड क्या होता है? पौधे का वह भाग जो सीड नए पौधे को जन्म देता है, सीड हो गया। ये तो एक नॉर्मल परिभाषा होगी, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल जो भी है, जो जिससे नया पौधा बनता है वो सीड हो गया। और इसकी एक बॉटनिकल परिभाषा की बात करें तो पौधे का परिपक्व बीजांड, जो जिसमें यह एक बीज हो गया। इसमें बीज में होता क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। और यह तो सीड कोट हो गया, सीड कोट यानी कि बीज आवरण, आवरण ये जनन द्रव्य हो गया, ये जनन द्रव्य। और ये क्या हो गया? भोज्य पदार्थ। बीज में सिर्फ इतनी चीजें होती है, एक तो भोज्य पदार्थ होता है, एक सीड कोट होता है यानी कि बीज आवरण होता है, बाह्य आवरण, और एक भोज्य पदार्थ होता है। तो पौधे के परिपक्व बीजांड जिसमें जनन द्रव्य, भोज्य पदार्थ और सीड कोट हो वह बीज कहलाता है। यह दो परिभाषा हो गई इसकी। और फिर इसकी बात करते हैं, आपके बीज है ना, मक्के के बीज का चित्र दिया गया है इसमें पहले में। तो मक्के का बीज का ये डायग्राम है, देख लेना इसमें, ये यहाँ पर है, ये तो हो गया कैलेरोराइजा, और ये पार्ट हो गया रेडिकल, और ये प्यूमल हो गया, ये जो पार्ट है ये प्यूमल हो गया, और ये यहाँ पर कोलियोपटाइल हो गया, ये जो खाली जगह है ये हो गई सेकुलेटम, वो एंडोस्पर्म हो गया, जो यहाँ पर खाली पार्ट है वो एंडोस्पर्म हो गया। एलियोरन लेयर हो गई ये, और ये जो भारी पार्ट है वो सीड कोट यो या पेरिकार्प। सीड कोट और पेरिकार्प दोनों आ जाते हैं इसमें, ठीक है। ये मक्के का हो गया, मेज मेज का डायग्राम है ये, मेज के सीड का आंतरिक चित्र है ये, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट दे गए हैं कुछ, वो देख लो। सन 1986 में स्वीडिश सीड संघ का गठन हुआ था। सन 1986 में स्वीडिश बीज संघ का गठन हुआ था, जिसमें कि चारा बीज उत्पादन, चारा के उन्नत बीज उत्पादन और उसका गुणन और वितरण हुआ था। स्वीडिश बीज संघ का गठन 1986, जिसमें चारे के बीज का उन्नत बीज उत्पादन हुआ था। और सन 1917 में डॉक्टर जे डब्ल्यू रॉबर्टसन कनाडा ने आधार बीज उत्पादन का प्रस्ताव रखा, जो कि मुख्य रूप से आज बीज प्रकार में एक मुख्य चरण है, एक आधार बीज। डॉक्टर जे डब्ल्यू रॉबर्टसन कनाडा ने 1917 में राष्ट्रीय बीज अधिनियम NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का जो गठन हुआ था वो 1963 में हुआ था। और भारतीय बीज अधिनियम जो अधिनियमित हुआ था वो 29 दिसंबर 1966 में हुआ था। और इंडियन सोसाइटी ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का गठन 1971 में हुआ था। बीज नियंत्रण आदेश है वो 1983 में हुआ था, और जिसमें बीज को एक बीज नियंत्रण आदेश 1983 में पारित हुआ था, जिसमें बीज को एक आवश्यक वस्तु बताया गया था, ठीक है। और इंटरनेशनल सीड क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फसल सुधार संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, और इसका नाम है बदलकर 1969 में एसोसिएशन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी कर दिया गया था।
ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। और इसके बाद में हम बात करें तो बीज और अनाज में अंतर की बात करते हैं। बीज और अनाज में क्या क्या अंतर होते हैं? बीज एक अलग चीज़ है, अनाज एक अलग चीज़ है, ठीक है। बीज क्या काम आता है? बीज से एक नए पौधे का आविष्कार होता है, और जो हमारा अनाज है, अनाज को हम खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसमें अंतर दिया गया है, वो अंतर मैं आपको बता देता हूँ। सीड और यहाँ पर हम कर देते हैं ग्रेन। ग्रेन सीड में पहला क्या होगा, यह जो आर्द्रता व प्रकाश 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 के प्रति संवेदनशील होता है, जो हमारा सीड यानी कि बीज है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। जो अनाज है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है उसकी। और दो नंबर पर बात करें तो बीज है, बीज जो बीज हो जाए वो होता है, इसमें शक्ति होती है वेग, और इसमें शक्ति को मौजूद होती है, इसमें आवश्यकता नहीं है वेगर की मौजूद होने की। और तीन नंबर है की बात करें तो इसे उपचारित किया जाता है। अगर सीड को रसायनों से उपचारित नहीं किया गया हो तो वह अनाज कहलाता है। उपचारित किया जाता है, इसे नहीं किया जाता। और जो चार नंबर है, यह एडिबल यानी कि खाने योग्य नहीं होता, यह खाने योग्य होता है। इसमें गुणवत्ता इंपॉर्टेंट होती है, इसमें जो अनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो अनुवांशिक शुद्धता है वो जरूरी होती है, इसमें है ना, अनुवांशिक शुद्धता तो जरूरी नहीं होती, इसमें जो पोषक तत्व तो है ना उनकी आवश्यकता ज्यादा होती है, खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, इसलिए इसमें पोषण पदार्थ है ना, पोषण पदार्थ वो आवश्यक होता है। और फिर इसमें एक पॉइंट और आ जाएगा आपका, इसके लिए इसका उत्पादन किया जा रहा हो ना इन दोनों का, तो इसमें तो क्या ध्यान में रखा जाता है, उत्पादन तो कम हो सकता है, लेकिन जो शुद्धता है ना वो ज्यादा होनी चाहिए। और जो हमारा बीज उत्पादन किया गया जाता है, जो हमारा अनाज उत्पादन किया जाता है, अनाज उत्पादन करते समय अधिक से अधिक उत्पादन हो, यही ध्यान में रखा जाता है, अधिक से अधिक उत्पादन हो। और इसकी उत्पादन करते समय हर चीज़ की ध्यान रखिए, आसपास किसी में अलग ना हो और किसी में का पौधा ना उगाओ, इसमें कुछ भी उगाओ, अनाज अधिक से अधिक उत्पादन होना चाहिए। और इसमें एक और ध्यान रखा जाता है, जो सात नंबर पॉइंट की बात करें तो इसमें सभी जो पौधे होते हैं, सभी पौधे एक गुणों वाले होते हैं, एक गुणों वाले यानी कि सिर्फ एक ही किस्म के पौधे होते हैं एक जगह पर, इसमें मिक्स भी हो सकता है, मिक्स इसमें सिर्फ एक ही किस्म का पौधे बोए जाते हैं, यानी कि एक गुणों वाले पौधे होते हैं सभी, ठीक है। ये सात छोटे छोटे पॉइंट हो गए, इसमें क्यों सुना सकता है सीड एंड ग्रेन में अंतर। और इसके बाद में हम बात करते हैं सीड के बारे में, कंप्लीट बात हो गई, सीड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सीड टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके रोल क्या है, और इसके इम्पोर्टेंस यानी कि उद्देश्य क्या है, इम्पोर्टेंस नहीं, इसके जो एम है, एम क्या होता है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं आप, सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी में क्या है, बीज विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन्नत एवं उत्तम बीजों का उत्पादन, गुणन, वितरण और जो सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और स्टोरेज,
इसमें क्या आएगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग और टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और स्टोरेज और फिर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। बीज विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन्नत व उत्तम बीजों का उत्पादन, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, सीड टेक्नोलॉजी कहलाती है। और सीड टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस की बात करें तो सीड टेक्नोलॉजी का पहला इम्पोर्टेंस होता है अधिक उत्पादन लेना, यानी कि उत्पादन अच्छा हो जिससे कि पूर्ति हो सकते, और पहला तो उत्पादन हो गया। फिर इसकी बात करें तो विपरीत जो कंडीशन है उसमें सीड उत्पादन लेना, विपरीत दशा में बीज उत्पादन, जैसे कि वे एक किस्म है चने की गणगौर जो कि अधिक पानी यानी बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, बाढ़ के प्रति चने की गणगौर किस्म है वो बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। और फिर इसमें बात करें तो अगर किसी स्थान पर बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है जिससे कि सीड खत्म हो जाता है, तो जो राष्ट्रीय बीज निगम है वो किसानों को उसी किस्म के जो अपने पास स्टोर बीज रखे हुए हैं वो देता है। तो वह भी सीड टेक्नोलॉजी में आता है, इसकी इंपोर्टेंस में आता है। सीड टेक्नोलॉजी क्या क्या काम आती है, अधिक उत्पादन देती है जिससे कि अन्य देशों से आयात नहीं करना पड़ता, और विपरीत कंडीशन में सीड उत्पादन हो यानी कि ऐसे बीजों का निर्माण करती है जो विपरीत कंडीशन में ही बीज उत्पादन दे दे। और फिर जो एक पॉइंट और है इसमें वो होगा कि अगर किसी स्थान पर प्राकृतिक आपदा की वजह से बीज खत्म हो जाता है तो जो NSC है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, वो किसान को वो अन्य बीज दे देता है वैसा का वैसा ही जो अपने पास स्टोर रखता है उसमें से। ठीक है, ये सीड टेक्नोलॉजी की इंपोर्टेंस हो गई। अब एम की बात करते हैं, सीड टेक्नोलॉजी के उद्देश्य क्या है। सीड टेक्नोलॉजी का पहला एम की बात करें, सीड टेक्नोलॉजी का पहला उद्देश्य होगा अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन। दूसरा उद्देश्य होगा कम मूल्य में किसानों को ऐसा बीज देना जिसका उत्पादन अधिक हो और मूल्य कम हो, समय पर बीज उपलब्ध हो, समय पर बीज उपलब्ध हो, समय पर बीज उपलब्ध हो जाए, उत्पादन अधिक हो और किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाए, ये भी इसका पॉइंट हो जाएगा, कम मूल्य पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बीज, ये जो पहला टॉपिक है हमारा सीड एंड सीड टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट।